कन्याकुमारी में प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त ध्यान में मग्न है। समुद्र के बीच रॉक मेमोरियल में ध्यान लगाकर प्रधानमंत्री बैठे हैं। रॉक मेमोरियल से तस्वीरें भी अब सामने आ गई हैं। हम आपको बता दें, कल शाम 7 बजे के आसपास प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे थे, विवेकानंद को माल्यार्पण किया, अमन्नन को भी जो वहां की कन्याकुमारी देवी है उनको भी माल्यार्पण करके और फिर ध्यान में लीन हो गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विवेकानंद रॉक पर जो मेडिटेशन सेंटर है वहां पर बैठकर इस वक्त ध्यान में मग्न है प्रधानमंत्री। अंदर की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। रॉक मेमोरियल से तस्वीरें अब सामने आ गई है जहां पर ध्यान मग्न है और बताया जा रहा है कि जिस दिन पोलिंग वाराणसी में होगी, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कॉन्स्टिट्यूंसी में, उस दिन शाम तक प्रधानमंत्री इसी तरह से ध्यान की अवस्था में रहने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री इस वक्त कन्याकुमारी में है, कन्याकुमारी में ध्यान में मग्न है। बीच समुद्र रॉक मेमोरियल में इस वक्त प्रधानमंत्री ध्यान मग्न है। हम आपको बता दें, विवेकानंद जी ने भी यहां पर करीब करीब 30 साल पहले के, माफ कीजिएगा, विवेकानंद जी ने 3 दिनों तक यहां पर इसी तरह से ध्यान मग्न हुआ था। उसके बाद वो शिकागो पहुंचे थे जहां पर उन्होंने विश्व के सामने भारत की छवि को केरा था और एक बार फिर से सबकी निगाहें इस लोकसभा चुनाव पर हैं और लोकसभा चुनाव की पर नजरें होने के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी पर भी नजर है लोगों की, क्योंकि भारत को आगे ले जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सपना देखा, विश्व गुरु बनाने का सपना देखा है और उसी को लेकर अब देखना होगा कि प्रधानमंत्री ध्यान में मग्न है, भारत को आगे बढ़ाने की बात वो करते रहे। विवेकानंद ने भी भारत की छवि को विश्व पटल पर रखा और आज उन्हीं को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री इस वक्त कन्याकुमारी में जो वहां पर मेडिटेशन सेंटर है वहां पर ध्यान में लीन है। तो 132 साल पहले जहां 3 दिन में के तप के बाद स्वामी विवेकानंद को भारत माता की अनुभूति हुई, उसी जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत के संकल्प के साथ 45 घंटे की मौन साधना कर रहे हैं। जिस शिला पर साधना के बाद स्वामी विवेकानंद ने दुनिया को हिंदुत्व का ज्ञान दिया, उसी शिला पर ध्यान लगाकर प्रधानमंत्री दुनिया को तप और साधना का संदेश देने जा रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री की इस तपस्या से विपक्ष बहुत परेशान है। चरण के चुनाव में देश के कोने कोने में मोदी की ताबड़तोड़ जनसभा, 206 रैलियां, 14 रोड शो निपटाने के बाद मोदी अब कन्याकुमारी में ध्यान लगा रहे हैं। सियासी शोर से दूर कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक पर पीएम मोदी साधना कर रहे हैं, तप कर रहे हैं और आध्यात्म का संदेश दे रहे हैं। पीएम मोदी का आध्यात्म प्रेम जग जाहिर है। पीएम मोदी केदारनाथ में भी साधना कर चुके हैं तो द्वारका में पानी के नीचे भी पीएम मोदी ने मेडिटेशन किया था। पहली तस्वीर 18 मई 2019 की है, जब 2019 के लोकसभा चुनाव का प्रचार थमने के बाद भी प्रधानमंत्री ने इसी तरह ध्यान किया था, तब वो 2 दिन केदारनाथ में रहे थे। दूसरी तस्वीर 18 जनवरी 2024 की है, जहां राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम मोदी ने केरल के गुरुवायूर मंदिर के दर्शन किए थे। और तीसरी तस्वीर 25 मई 2024 की है, जहां पीएम ने गुजरात के द्वारका में समंदर के नीचे जलमग्न द्वारका नगरी में जाकर प्रार्थना की थी। अब पीएम मोदी के कन्याकुमारी वाले ध्यान से विपक्ष परेशान होने लगा है। ममता बनर्जी ने तो दो टूक कह दिया कि अगर प्रधानमंत्री का कार्यक्रम टीवी पर दिखाया गया तो वो चुनाव आयोग पहुँच जाएंगे, क्योंकि वो भी पीएम का प्रचार ही होगा।
73 दिन चले इस चुनावी शोर के बाद अब पीएम मोदी के ध्यान कार्यक्रम ने विपक्ष में उथल पुथल मचा दी है। कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी, आरजेडी से लेकर टीएमसी पार्टी, सब पीएम के कार्यक्रम को ड्रामा बता रहे हैं और चुनाव आयोग से पीएम के प्रोग्राम के खिलाफ शिकायत दे चुके हैं। बहुत अच्छी बात है, जा रहे हैं। मैं तो समझती हूँ कि जाने की क्या जरूरत है, घर पे भी बैठ के अगर मेडिटेशन अगर आप कर सकते हैं, कोई भी मेडिटेशन कहीं भी कर सकता है, लेकिन उसका इतना प्रचार नहीं होता है, मैं समझती हूँ। तो ये अच्छी बात है और जाएं जहाँ जाना चाहिए। अब इतने शब्दों का आपने इस्तेमाल किया जैसा इस देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ, और वो भी ध्यान करेंगे। आपको असल में रिफ्लेक्शन करना चाहिए, आत्मचिंतन, और आत्मचिंतन बिना कैमरे के करिएगा। आपकी आदत है कि गुफा में भी जाते हैं तो 5 कैमरा पहले से सेट कर लेते हैं। प्रचार खत्म होने के बाद पीएम मोदी की साधना शुरू हो चुकी है और इसी के साथ शुरू हो चुकी है विपक्ष की सियासत, जो अब 1 जून तक जारी रहेगी, जब तक मोदी ध्यान लगाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और 4 जून के बाद अगले 6 महीने में भारत में कौन सा राजनीतिक भूचाल आने जा रहा है, इसका ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। देश में आने वाले इस राजनीतिक भूचाल का संकेत खुद प्रधानमंत्री ने दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 4 जून के बाद देश में कुछ बड़ा होने वाला है। 4 जून के बाद अगले 6 महीने में देश में बहुत बड़ा राजनीतिक भूचाल आने वाला है। ये परिवारवादी पार्टियां अपने आप बिखर जाएगी। और नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जाता है कि वो बेहद चौंकाने वाले फैसले करते हैं, जबकि नरेंद्र मोदी कहते हैं कि देश जिन फैसलों पर चौंकता है उसके संकेत वो पहले यानी कि काफी पहले से देना शुरू कर देते हैं। इसलिए अगर मोदी कहते हैं कि अगले 6 महीने में राजनीतिक भूचाल आने वाला है तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, वो भी तब जब चुनाव में 400 पार का नारा दिया जा रहा है। 8 जून के बाद अगले 6 महीने में देश में बहुत बड़ा राजनीतिक भूचाल आने वाला है। ये परिवारवादी पार्टियां अपने आप बिखर जाएगी।